अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुबीना मतीन। आरएम गार्डन में एक ऐसी लिक्विड फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जो आप हर किस्म के प्लांट्स को दे सकते हैं। गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं सबके लिए बहुत ही फायदेमंद फर्टिलाइजर है। पत्तों वाले प्लांट्स हैं तो पत्ते खूबसूरत और लश ग्रीन हो जाएंगे, फूलों वाले प्लांट्स हैं तो कलियां भी लगेंगी, सब्जियों वाले प्लांट्स को देंगे तो सब्जियों ढेरों ढेर हासिल कर सकेंगे। फलों वाले प्लांट्स पे अप्लाई करें, यानी कि हर किस्म के प्लांट्स को ये वाली फर्टिलाइजर आप अप्लाई करके अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जितने भी प्लांट्स आपके गार्डन में हैं ये फर्टिलाइजर बनाएं और अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करें। ये जो आपको चीजें नजर आ रही हैं ये आपको आसानी से हर जगह से मिल जाएंगी। जहां से गाय भैंसों का चारा मिलता है उन्होंने भी ये सारी चीजें रखी होती हैं। ये क्या चीज है, कितनी क्वांटिटी में डालनी है, उसी हिसाब से आप डालेंगे तो आपकी फर्टिलाइजर बहुत अच्छी बनेगी। ये जो आपको नजर आ रही है ये सरसों खली है, इस शक्ल में ये होती है। बोन मील का इस्तेमाल करेंगे, ये नर्सरी से भी आपको मिल जाएगा। बोन मील इस तरह का होता है, हड्डियों का पाउडर है। नीम खली का इस्तेमाल करेंगे, नीम खली जो है इस तरह की है। सारी चीजें कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी है ये आपको पता होना चाहिए, उसी तरह आप बनाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पीस लिया है सरसों खली को इस तरह पाउडर फॉर्म में, 50 ग्राम ये इस्तेमाल करेंगे। ये बोन मील है ये 25 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। नीम खली जो है वो भी 25 ग्राम। पुराना गुड़ इस्तेमाल करेंगे 25 ग्राम। जितनी आपने सरसों खली लेनी है बाकी चीजें उससे आधी आधी लेनी है, यानी कि 25-25 ग्राम बाकी चीजें हैं, 50 ग्राम जो है सरसों खली है तो बाकी चीजें 25-25 ग्राम है। सरसों खली डाल दी है, बोन मील डाल दिया है, इसमें नीम खली डाल दी है और गुड़ डाल दिया है। पुराना गुड़ यूज करें क्योंकि वो डीकम्पोस्ट करेगा। 2 लीटर पानी डालेंगे और इसको आपने, अगर सर्दियों का मौसम है तो ज्यादा दिनों के लिए रखें, गर्मियां हैं तो आप कम दिन के लिए रख सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, सारी चीजों को मिक्स करने के बाद ढक्कन को बंद कर देंगे, साए वाली जगह पर रखेंगे और इसको सर्दियों में 5 दिन रखेंगे। अगर ज्यादा दिन रखेंगे तो इसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी, इसलिए 5 दिन रखेंगे। और इसको इस तरह गाढ़ा इस्तेमाल नहीं करना, इसको थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। हल्की हल्की सी इसके अंदर से स्मेल आ रही है, कोई बात नहीं, जब भी फर्टिलाइजर बनाते हैं थोड़ी बहुत स्मेल होती है, तभी तो प्लांट्स के ऊपर हमें फायदा भी होता है। तो स्मेल अगर थोड़ी सी हम बर्दाश्त कर लेंगे अगर प्लांट्स के खूबसूरती के लिए तो कोई खर्च नहीं है। तो ये फर्टिलाइजर जो है इसको 5 लीटर पानी में शामिल करेंगे और किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है उतनी ही क्वांटिटी में दें और कौन कौन से प्लांट्स को दे सकते हैं। अब 5 लीटर में ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दी है और मिक्स करेंगे और प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। कुछ प्लांट्स को आप नहीं दे सकते, वो कौन से प्लांट्स हैं, और जो बाकी प्लांट्स हैं उन सबके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म की ताकत से भरपूर फर्टिलाइजर तैयार हो चुकी है। इसमें जिंक भी है, सल्फर भी है, पोटाशियम भी है, बोरान भी है, फास्फोरस भी है, प्रोटीन भी है, हर चीज वाफर मिकदार में मौजूद है और मिट्टी में फंगस भी नहीं लगेगी क्योंकि हमने नीम खली इसमें इस्तेमाल की है। जो बोन मील इस्तेमाल किया है उसमें प्रोटीन वाफर मिकदार में है और कैल्शियम भी है जो प्लांट्स की बहुत अच्छी है। प्लांट की मिट्टी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए जैसे कि आपको नजर आ रही है। गीली मिट्टी में आपने ये वाली लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं डालनी, मिट्टी खुश्क होनी चाहिए, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। और जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे धूप वाले प्लांट होने चाहिए। धूप वाले प्लांट्स को ये फर्टिलाइजर आपने देनी है। मिट्टी आपको दिखा रही हूँ, खुश्क है, 1 ग्लास डाल दें 12 इंच के गमले को, छोटा गमला है तो आधा ग्लास दें। और जब ये लिक्विड फर्टिलाइजर आप डालेंगे तो उसके बाद आपने पानी नहीं देना प्लांट को, और पानी अगले दिन भी नहीं देना, अगले दिन आपने गैप डालना है और उससे अगले दिन आप पानी दे सकते हैं। ड्राई मिट्टी है तभी फायदा हासिल होगा, तभी प्लांट्स की जड़ों को गजाइत मिलेगी और ताकत मिलेगी, और जो चीजें हमने इसमें डाली हुई है उससे प्लांट सेहतमंद हो जाएगा और आपको फायदा हासिल होगा। बालकोनी में जो प्लांट्स रखे हुए हैं उनके ऊपर ये फर्टिलाइजर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इंडोर प्लांट्स को भी नहीं आप दे सकते, आपको फायदा हासिल नहीं होगा। बाकी जितने भी गार्डन में प्लांट्स हैं उनको दें, धूप वाले प्लांट्स को दें, आपके प्लांट्स खूबसूरत सेहतमंद हो जाएंगे। फर्टिलाइजर बनानी भी आसान है और उतनी ही बनाएं जितनी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस फर्टिलाइजर को बना के नहीं रखना, अगर बना के रखेंगे तो ये खराब हो जाएगी। 15 दिन के बाद अप्लाई कर सकते हैं।
महीने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, जब आप जरूरत महसूस करते हैं कि अगर आपका प्लांट वीक है तो आप 15 दिन के बाद दे सकते हैं, अगर सेहतमंद है तो 1 महीने के बाद दे सकते हैं। ज़्यादा मत दें, बस महीने के बाद इस्तेमाल करें। और जो धूप वाले प्लांट्स हैं सबको ये फर्टिलाइजर दें, घर के अंदर जितने प्लांट्स हैं उनको मत दें, बालकोनी वाले प्लांट्स को ना दें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जितने प्लांट्स पत्तों वाले हैं, फलों वाले हैं, सब्जियों वाले हैं उनको देंगे, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, हेल्दी प्लांट्स हो जाएंगे और आपको अपने प्लांट्स के ऊपर वाजिया फ़र्क नज़र आएगा। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये नहीं कि आज आपने डाला तो कल ही आपका प्लांट सेहतमंद हो जाएगा, 15 से 20 दिन लगेंगे और आपके प्लांट्स के ऊपर फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको मेरे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, फलों वाले प्लांट्स भी लगे हुए हैं, पत्तों वाले प्लांट्स भी हैं, तो सब प्लांट्स को ये फर्टिलाइज़र भी मैं देती हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की जब फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो चंद प्लांट्स को देती हूँ और कुछ अर्से के बाद फिर बाकी प्लांट्स की बारी आ जाती है, फिर नई फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो उनको देती हूँ। इसी तरह हर प्लांट को मुख्तलिफ़ किस्म की फर्टिलाइज़र मिल जाती है जिससे उनको फ़ायदा हासिल हो जाता है। आम के दरख्त को भी डाली है, बाकी पौधों को भी डाली है, आप भी बनाएं और अपने गार्डन में धूप वाले जितने भी प्लांट्स हैं सबके ऊपर ये वाली फर्टिलाइज़र बनाकर अप्लाई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आर एम गार्डन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।